नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। साल 2019 में मोदी सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया तो पाकिस्तान तो बौखलाया ही था, उसका दोस्त तुर्की भी भारत विरोधी बयानबाजी करने लगा। तुर्की की इसी हरकत की वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा तक रद्द कर दिया था। और एक फिल्म अभिनेता आमिर खान है जो फिल्म की शूटिंग के लिए पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के पास पहुंच गए, जिसकी वजह से उनकी जमकर फजीहत हो रही। भारत ने जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था तो पाकिस्तान और मलेशिया के साथ तुर्की भी राग में राग मिलाने लगा था और कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी बोल बोलने लगा। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में पूरी दुनिया के सामने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए पाकिस्तान का साथ दिया। यूएन असेंबली में तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे कश्मीरी भाई और बहन दशकों से पीड़ित, हम एक बार फिर से कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ। हमने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में उठाया था। कश्मीर का मुद्दा जंग से नहीं सुलझाया जा सकता। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के राष्ट्रपति का ये बयान क्या आमिर खान ने नहीं सुना होगा? यही वो बयान था जिसकी वजह से पीएम मोदी ने अक्टूबर 2019 में तुर्की का 2 दिवसीय दौरा रद्द कर दिया था। लेकिन आमिर खान को अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करनी थी, इसीलिए भारत विरोधी और पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की यात्रा पर निकल गए और वहां के राष्ट्रपति की पत्नी एमिन एर्दोगन के साथ मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी एमिन एर्दोगन से आमिर खान ने ये मुलाकात शनिवार को की थी, जिस दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा। तुर्की के राष्ट्रपति के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक प्रथम महिला ने शनिवार को इस्तांबुल स्थित राष्ट्रपति आवास में अभिनेता से मुलाकात की। एमिन एर्दोगन ने इस मुलाकात के बारे में ट्वीट कर लिखा, विश्व विख्यात भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक आमिर खान से इस्तांबुल में मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि वो अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग तुर्की के विभिन्न हिस्सों में पूरा करने के लिए आए। मैं इसको लेकर आशान्वित हूँ। इस मुलाकात पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने कहा, भारत के मित्र देश इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलने के नाम पर आमिर खान कन्नी काट गए, पर भारत के शत्रु देश तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी की मेजबानी स्वीकार करने में उन्हें कोई हिचक नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि भारत और तुर्की के बीच कूटनीतिक रिश्ते पहले से खराब थे। इसके पहले भी कई फिल्मों की शूटिंग तुर्की में हो चुकी। खुद पीएम मोदी भी तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके। यही नहीं, खुद आमिर खान भी इससे पहले साल 2017 में तुर्की आ चुके। सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में तुर्की के दौरे पर गए आमिर खान ने उस वक्त राष्ट्रपति एर्दोगन से भी मुलाकात की, लेकिन कश्मीर पर बयान देने के बाद से ही भारत और तुर्की के रिश्तों में कड़वाहट देखी जा रही, क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर उसने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया, जिसका भारत ने कड़ा विरोध जताया। भारत में डरने वाले आमिर खान पाकिस्तान के दोस्त देश तुर्की में बेखौफ नजर आए। बहरहाल, आमिर खान की तुर्की यात्रा पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी का वो बयान भी सुनिए जो उन्होंने उस वक्त दिया था जब तुर्की से भारत के रिश्ते सामान्य थे। एंड तुर्की एंजॉय ग्रेट हिस्टोरिक एंड कल्चरल कनेक्ट। We also share a common outlook on the present economic order in the world. Now, economic cooperation is becoming an important pillar of every bilateral relation. India and Turkey enjoy good economic ties. The growth in our bilateral trade over the years has been impressive. I understand that bilateral trade has increased remarkably since President Erdogan last visited India. It has gone up from $2.8 billion in 2008 to $6.4 billion in 2016. While this is encouraging,
द लेवल ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल रिलेशंस इज नॉट इनफ अगेंस्ट द रियल पोटेंशियल एज वी स्ट्राइव टू बिल्ड स्ट्रांगर पोलिटिकल टाइज द टाइम हैज कम टू ऑल्सो मेक मोर एग्रेसिव एफर्ट टू डीपन द इकोनॉमिक रिलेशंस वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डूइंग बिजनेस विद ईच अदर वी हैव टू बिल्ड ऑन दिस रिच हेरिटेज देर इज ह्यूज पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी टू एनहेंस द बायोलेटरल एंगेजमेंट दिस इज पॉसिबल थ्रू ट्रेड एंड एफडीआई इनफ्लोज टेक्नोलॉजी टाइप एंड कोऑपरेशन ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स आई नो दैट टर्किश कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैव सक्सेसफुली अंडरटेकन मैनी कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन अदर कंट्रीज अवर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स आर इनॉर्मस इंक्लूडिंग कोर एज वेल एज सोशल एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर कीन टू बिल्ड इट स्ट्रांग एंड बिल्ड इट फास्ट It's really beautiful. It's really beautiful. She lived here for 2 weeks and she was really, you know, mixing in with the people and she made friends in the house she was staying in. So you really come to know a city by the people, you know, and she had a wonderful time. Ben de çok güzel bir şehir olduğunu duydum. Eşim burada 2 hafta geçirdi o ev kiraladığında ve tam olarak halkın arasına karışmıştı. İşte apartmandakilerle vesaire de tanışmıştı ve...